इन फोर्थ क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के अकॉर्डिंग 8 आवर्स लग रहे हैं, सो आपको फाइंड करना है कि 7.5 आवर्स कब लगेंगे, मतलब इंक्रीज जो स्पीड है उसको कितना इंक्रीज करना है, राइट? इट मींस जो स्पीड है और जो टाइम है वो इन्वर्सली वेराय कर रहे हैं, देयर इज इन्वर्स प्रोपोर्शन, अगेन द सेम कंसेप्ट। सबसे पहले आप क्या करोगे, सपोज करोगे ये स्पीड क्या है एस है और टाइम क्या टी है, सो एस और टी क्या कर रहे हैं, इन्वर्सली वेराय कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में आपको गिवन है कि जो स्पीड है वो क्या है, 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम है वो 8 आवर्स है। तो एस और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको के और सबसे पहले कॉन्स्टेंट और इक्वेशन मिल जाएगी, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। फिर सेकेंड कंडीशन में आप क्या करोगे, टाइम सब्स्टिट्यूट करोगे, टाइम तो गिवन है आपको कि जो टी है वो कितना हो जाना चाहिए, 7.5 आवर्स, और आपको क्या करना है फिर स्पीड फाइंड करना है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, लेट एस बी द स्पीड, राइट, एंड टी बी द टाइम, गॉट इट? नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एस एंड टी दे आर वेराइंग इनवर्सली, राइट, एस इज वेराइंग विथ टी इन इनवर्सली, सो therefore you can write it like this, s is equals to k upon t, so you got the constant as s into t, right, means s or t ki value multiply karne pe aapko constant ki value milegi, so now it's given, what's the value of s, means speed kya hai initially 6 km per hour and time kya hai, time taken by the car to travel the distance 8 hours, right, so now you will get the value of k simply by substituting the value of s in t, s is 6, t is 8, 6 into 8 will give the value of k, 8 6 is 48, right, so 60 is, sorry 6 nahi hai, it's 60 kilometer per hour, so 8 6 is 48 and 0 will be as it is, means what is the value of k here, 480, means aapko speed given hai 60 kilometer per hour, time given hai 8 hour, तो दोनों को multiply करोगे तो आपको constant मिला, k is equals to 480। अब आपको इक्वेशन डिराइव करनी है, तो इक्वेशन क्या रहेगी, सिंपली 60 × 8 मीन्स एस इंटू टी, राइट, एस इंटू टी इज इक्वल्स टू के, के की वैल्यू क्या मिली आपको, 480, सो ये क्या है आपकी इक्वेशन, सो नाउ यू गॉट द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, नाउ इट्स गिवन एट टी इज द टी इज इक्वल्स टू 7/2, राइट, 7.5 है ना, तो 7/2, एंड देन आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, t की वैल्यू लिखोगे, s की वैल्यू फाइंड करना, नाउ यू नो द इक्वेशन s into t is equals to 480, राइट, तो आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 7.5 है, राइट, नाउ s की वैल्यू फाइंड करना है, सो यू विल कीप इट एज इट इज, t की वैल्यू क्या गिवन है, 7.5 is equals to 480, ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन, राइट, आपने ये स्मॉलर स्टैंडर्ड्स में करे हो कि जो 7 और ये 7 क्या है आपका इंटीजर है और ये हाफ क्या है, रेशनल नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 7 + 1/2, राइट, जब आप इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपरली इंटू द इंटीजर, इंटू द रियल नंबर, तो आप क्या करोगे तरीके से सॉल्व करोगे, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ, नाउ यू नो द वे हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर नंबर, 7 × 2 = 14, 14 + 1 = 15, राइट, सो इट्स नाउ 15/2, देन 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 1 इज रिमेनिंग, डेसिमल ऐड करोगे, 0 इंक्रीज करोगे, 2 × 5 = 10, इट मीन्स यू गॉट द वैल्यू एज 7.5, राइट, क्या मिली आपको वैल्यू, 7.5। अब आपको क्या करना है, आइदर यू कैन डू दिस और आप सिंपली इसको शिफ्ट भी कर सकते हो, इट्स 15/2, राइट, सो नाउ लेट्स डू इट एज इट इज, आप क्या करो 15/2 ही रखो, आपको सॉल्व करना है, राइट, एस की वैल्यू डिराइव करना है, तो ये क्या हो जाएगा 480, एंड देन यहाँ पे 15/2 है, तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, राइट, जो 2 है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा और 15 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, so when you will solve this you will get the final answer, okay,
कंसेप्ट समझ में आया आपको? 7:1/2 इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट? आपको इसको क्या करना है, इस मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है नॉर्मल रियल नंबर में. तो आपने क्या किया, जो मेथड है ये मेथड है ना, 7+1/2 लिखते हैं, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 7 × 14 + 1 = 15. तो क्या मिला आपको, 15/2. देन आपने क्या करे, अब आपको एस की वैल्यू फाइंड करना है. सो यू विल कीप इट एज इट इज, 15/2 को शिफ्ट कर दोगे सिंपली. ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, राइट? 15/2 की जगह क्या हो जाएगा, 2/15. सो नाउ लेट्स विल सॉल्व इट. एस इज इक्वल्स टू 480 इंटू 2/15. आपको उसको फर्दर सॉल्व करना है. कैरी फॉरवर्ड करोगे. सो इट्स नाउ वर 30. सो 15 × 30, राइट? सो इट्स नाउ 32. और रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, 2. तो वट इज द वैल्यू ऑफ एस, 32 × 2. तो क्या मिला आपको, 2 × 4, 3 × 6. मीन्स एस की वैल्यू क्या मिली आपको, 64. इट मीन्स के जो स्पीड है, स्पीड इनिशियली कितनी थी, 60 km/h, और टाइम कितना लग रहा था, 8 hours. तो अगर आपको 7.5 hours में वो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इंक्रीज कितनी, स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 4 km की बढ़ानी पड़ेगी, राइट? सो देयरफॉर आपको इंक्रीज फाइंड करना है ना. Therefore, increase, इसमें एक additional step है. Just आपको क्या करना है, final जो result है उसमें से जो initial given है condition थी उसको subtract करना है. Increase in speed, मतलब आपको कितना increase करनी पड़ेगी ना, is equals to 64 - 60 is equals to 4. मतलब 4 km/h क्या करना पड़ेगा, increase करना पड़ेगा speed में. Got it? So therefore, final answer आप लिखोगे, the speed of the car should be increased by 4 km/h. Okay? Final answer you will write. Therefore, the speed of the car, should be increased by 4 km/h. ओके, मैं जिसके प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको जस्ट फाइनल आंसर पूछता था कि अगर देखो टाइम मिसिंग है तो स्पीड क्या रहेगी, है ना. अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी मिसिंग थी, मतलब टाइम मिसिंग था तो नंबर ऑफ बैग्स पूछा था, टाइम गिवन था तो नंबर ऑफ बैग्स पूछा था. अब यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि स्पीड जो है वो फाइनल स्पीड क्या होगी, वो नहीं पूछा है. फाइनल स्पीड आपको क्या, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना. तो 60 से 64 आई, मतलब 4 आपको बताना है कि कितना आपने इंक्रीज करे. तो द स्पीड ऑफ द कार शुड बी इंक्रीज बाय 4 km/h. गॉट इट? तो यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, द चैप्टर इज कंप्लीटेड. ओके.